नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भगवान श्री राम के पास कितने गुण और कितनी कलाएं थीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रभु श्री राम को पुरुषों में सबसे उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वे एक आदर्श व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। एक धनुष और एक कवच धारण करने वाले थे। उन्होंने एक पत्नी व्रत भी धारण कर रखा था। उनमें इसी तरह के 16 गुण थे। 16 गुणों के अलावा वे 12 कलाओं से युक्त थे। प्रभु श्री राम 12 कलाओं से युक्त हैं। 16 कलाओं से युक्त व्यक्ति ईश्वर तुल्य होता है, या कहें कि वह स्वयं ईश्वर ही होता है। पत्थर और पेड़ 1 से 2 कला के प्राणी हैं। पशु और पक्षी में 2 से 4 कलाएँ होती हैं। साधारण मानव में 5 कलाएं और संस्कृति युक्त समाज वाले मानव में 6 कलाएं होती हैं। इसी प्रकार विशिष्ट पुरुष में 7 और ऋषियों या महाऋषियों में 8 कलाएं होती हैं। 9 कलाओं से युक्त सप्त ऋषिगण मुनि देवता प्रजापति लोकपाल आदि होते हैं। इनके बाद 10 और 9 से अधिक कलाओं की अभिव्यक्ति केवल भगवान के अवतारों में ही, जैसे वराह, नरसिंह, कूर्म, मक्ष और वामन अवतार, उनको अवेशा अवतार भी कहते हैं। उनमें से 10 से 11 कलाओं का आविर्भाव होता है। भगवान परशुराम को भी अवेशा अवतार कहा जाता है। भगवान श्री राम 12 कलाओं से युक्त, भगवान श्री कृष्ण सभी 16 कलाओं से युक्त हैं। यह चेतना का सर्वोच्च स्तर होता है, इसीलिए प्रभु श्री राम को पुरुषों में उत्तम और भगवान श्री कृष्ण को जग के नाथ जगन्नाथ और जग के गुरु जगत गुरु कहते हैं। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम।